मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला का पसंदीदा दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मजहब को पसंद फरमाया है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक और हजरत ईसा के बाद हम सब के आका व मौला खातिमुन नबीयीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम ही लेकर के आए। दूसरे अंबियाए किराम और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने में फर्क ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए उन पर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल नहीं फरमाया, इसलिए कि बाद में अंबिया आने वाले थे और अब कोई नबी आने वाला नहीं है। कोई नबी बहैसियत नबी, कोई नया नबी अब दुनिया के अंदर नहीं आएगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून हमें अता फरमाया, इस कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और इससे रूगर्दानी करोगे, इसकी मुखालफत करोगे तो तुम दुनिया में भी नाकाम रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून की शक्ल कुरान मुकद्दस की शक्ल में हमें कानून अता फरमाया, अहदीस रसूल की शक्ल में हमें कानून अता फरमाया। एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अब अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे अल्लाह के कानून पर अमल करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के खिलाफ दुनिया का कोई इंसान चला जाए, चाहे वो जितना बड़ा इल्म वाला हो, चाहे वो जितना बड़ा तकवे वाला हो, चाहे वो जितना बड़ा परहेजगार हो, अगर वो अल्लाह के कानून के खिलाफ जाता है तो उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहारें छीन लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, रब के कानून की मुखालफत बड़े बड़े ताजदारों ने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे तख्त व ताज को छीन लिया। बड़े बड़े मालदारों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की मुखालफत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे नेमतें छीन लिया। बड़े बड़े इज्जतदारों ने अल्लाह के कानून की मुखालफत की, अल्लाह ने उनसे इज्जत छीन ली। वो जिस वक्त इंसान अल्लाह के कानून की मुखालफत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नेमतें छीन लिया करता है। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबशरिल मुमिनीन, जो अल्लाह की हुदूद की जो है वो ख्याल करते हैं, रब तबारक व तआला की हुदूद का ख्याल करते हैं, अल्लाह के कानून को तोड़ते नहीं, उन लोगों को खुशखबरी सुना दी जाए, उन्हें दुनिया में भी मुबारकबाद है और उन्हें आखिरत में भी खुशखबरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह का कानून क्या है? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर के आए, हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह का कानून ये है, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक सो नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत से उठ नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत से लिबास पहन नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत से रसूमात मजा नहीं कर सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक चल नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक बैठ नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक खा नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक औलाद की परवरिश नहीं कर सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक किसी से नफरत नहीं कर सकते। अगर मोहब्बत करना है तो कानून इलाही के मुताबिक करना होगा, अगर नफरत करना है अल्लाह के कानून के मुताबिक करना होगा, औलाद की परवरिश करना है अल्लाह के कानून के मुताबिक करना होगा, अल्लाह की हदों में रह करके अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। अगर तुमने खुदा के कानून की पैरवी की, वबशरिल मुमिनीन कह करके अल्लाह ने तुम्हें खुशियां नसीब फरमाई, दुनिया में भी खुश रहोगे, सदा बहार रहोगे और आखिरत में भी खुश रहोगे, सदा बहार रहोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, आज हम अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, आज हम अल्लाह की हदों को तोड़ रहे हैं। अल्लाह हू अकबर। हालात ये हो चुके हैं कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक सोते हैं, रात के दो दो तीन तीन बजे तक टीवी के अंदर सीरियल चल रहे हैं, हम अपनी
की तबीयत के मुताबिक जागते हैं और उसके अल्लाहु अकबर फिर फजर की नमाज बिस्तर में गायब कर देते हैं। और फिर जो है जब सूरज बुलंद होता है, सूरज तुलू होता है, उस वक्त हमारी आंख खुलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कल तक की मुसलमान औरतों का हाल ये था, अल्लाह अकबर मुस्लिम औरतें उस वक्त सुबह को बेदार हो जाती थी कि अभी सुबह को अजान भी ना होती थी, अल्लाह अकबर, और जब वो खवातीन उठती तो कभी अपने बच्चों को बेदार करती, कभी अपनी बच्चियों को बेदार करती, कभी अपने शोहर को बेदार करती, घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आती। इस शान से जब औरतें अपने घर के अंदर जिंदगी गुजार रही थी तो अल्लाह अकबर शोहर चंद रुपए कमा करके लाता, अल्लाह उस कारोबार के अंदर बरकत अता करता। एक कमाने वाला होता, कई लोग खाने वाले होते, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बरकत होती। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज बात क्या है, लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं बड़ी तरक्की के साथ, बहुत तरक्की याफ्ता दौर के अंदर लाखों रुपए कमाने के बावजूद घर के अंदर जिकजिक हो रही है, घरों के अंदर बेचैनी है, घरों के अंदर बेकरारी है, वजह क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन चीजें मनहूस हुआ करती है, तीन चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। आका इरशाद फरमाते हैं कभी कभी घर भी मनहूस होता है, कभी कभी औरत भी मनहूस होती है, कभी कभी घोड़ा भी मनहूस होता है, तीन चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। अल्लाह अकबर, जो औरतें सूरज निकलने के बाद भी सोती पड़ी रहती है गोया कि उनकी वजह से घरों के अंदर नहूसत है। शौहर रात तो दिन कमाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी। और वो खवातीन जो सुबह को उठ जाती है अल्लाह के कानून के मुताबिक, उनका शौहर थोड़ा कमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। आइए मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह हू अकबर, आज औरतों के शौक का आलम क्या है? मुझे जेवर मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे बाइक पर घूमना मिल जाए, और उसके बाद हल मिल मजीद, हल मिल मजीद, इसके नारे लग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की खवातीन का हाल क्या था, कल की खवातीन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कितना एतमाद था, उनके दिलों में कितना तवक्कुल था, उनका रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से कितना मजबूत था। अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह बादशाह के घराने से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह अकबर, शहंशाह के घराने से, बादशाह के घराने से, बहुत बड़ा खानदान था, लेकिन जब अल्लाह से दिल लग गया, रब तबारक तआला से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने शाही खानदान से किनारा कशी कर ली। लेकिन चूंकि शाही खानदान के फर्द थे, शाहों से अलग रहते थे, लेकिन बात तो ये थी कि खानदान तो कट नहीं सकता था, अलग रहने से किसी का खानदान तो कटता नहीं। अल्लाह अकबर, वो बुजुर्ग अपने अंदाज से जिंदगी गुजार रहे थे, माल और दौलत भी उनके पास मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी की परवरिश उन्होंने सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार के साए में किया। उसके बाद बादशाह वक्त ने कहा, ऐ बुजुर्ग, आपकी बेटी बड़ी हसीन और जमील है, आप हमारे खानदान से मुतालिक हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें। आपने जैसे ही सुना कि बादशाह वक्त अपनी अपने लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर वक्त के एमएलए के घर से, एमपी के घर से या वजीर के घर से आपके घर रिश्ता आए तो हमें खुशी होती है, बड़े बड़े ताजिरों के यहाँ से रिश्ते आए तो हमें खुशी होती है, और यकीनन खुशी की बात भी है। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को इतने बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या सोच थी उस जमाने के मुसलमानों की। अल्लाह अल्लाह, बादशाह से कहा, तीन दिन की मोहलत मुझे दे दे, तीन दिन की मोहलत मुझे चाहिए ताकि मैं इस पर गौर कर सकूं। और उसके बाद घर तशरीफ लाने के बाद आप कहते हैं, बादशाह तो हराम और हलाल में तमीज किए बगैर माल जमा करता है, मैं अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक नहीं सकता। और उसके बाद आप रिश्ता ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह अकबर, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ रिश्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हम बाजार में रिश्ता ढूंढते हैं, हम घरों पर जाके रिश्ता ढूंढते हैं, हम पार्कों में रिश्ता ढूंढते हैं, हम
मॉल में जाके रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की फिक्र क्या थी? वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकले बेटी का, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, कभी इस मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद मस्जिद के दरवाजे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि मुझे दामाद मिले तो गुनाहों के अड्डों पर जाने वाला नहीं, मुझे दामाद मिले तो अल्लाह के घर से चिमटा हुआ मिले, क्योंकि जो रब का वफादार होगा वो सब का वफादार होगा। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो मेरी बीवी बेटी कभी वफादार नहीं हो सकता। आखिरकार एक नौजवान को मस्जिद से लगा हुआ पाया, उसको देखा, उसके चेहरे पर नूरानियत थी। अल्लाह हू अकबर। उस नौजवान से कहते हैं, बेटे तुम कुंवारे हो या शादीशुदा हो? उसने कहा कि बाबा मैं तो कुंवारा हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। वजह यह है मेरे पास कोई मकान नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं, मजदूरी करके दो रोटी इतना पैसा कमाता हूँ, एक रोटी सुबह को खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ। कहा बस बस आप बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं? उसने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं। कहा कि इंतजाम मैं करूंगा और तेरे साथ एक अच्छे घराने की लड़की के साथ शादी करवा दूंगा। लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़की तिलावत कुरान करती है, लड़की इबादत की पाबंद है, लड़की जो है वो तकवा शियार है, लड़की की खूबी ये है ये है ये है, सारी खूबियां गिना डाली। और उसके बाद वो नौजवान हैरत से देखता रहा, लेकिन बाबा मैं शादी करूं कैसे? अपनी जेब से पैसे निकाले, फरमाया देखो इससे रोटी खरीदो, इससे हलवा खरीदो और इससे जो है वो खुशबू खरीदो और जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूं। उसके बाद वो नौजवान आया, निकाह करा दिया गया, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। इस 3 दिन के अंदर अंदर निकाह हो गया। और उसके बाद जब बादशाह का इल्ची आया तो आपने फरमाया किसने कहा बादशाह को कि मेरे घर में लड़की मौजूद है? अरे नादान, जो लड़कियां कुंवारी होती है बगैर शौहर वाली होती है उसके निकाह दूसरों के साथ किए जाते हैं। मेरी तो एक ही बेटी थी और उसका निकाह तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरे घर कोई बेटी नहीं है। बादशाह को यह कहकर रुखसत कर दिया, बादशाह के इल्ची को यह कहकर रुखसत कर दिया। अब हुआ क्या है? लड़की की रुखसती का वक्त करीब आता है, एक बाप अपनी बेटी को उसके शौहर के घर पहुंचाता है। अल्लाह हू अकबर। वो बेटी कितनी पाकीजा ख्यालात की थी, वो बेटी जो है अल्लाह हू अकबर, जब अपने शौहर के घर गई तो शौहर के घर जाने के बाद क्या देखा? सुराही के ऊपर एक रोटी रखी हुई है। उस लड़की ने शौहर से पूछा, मेरे सरताज ये रोटी काहे के लिए रखी हुई है? शौहर ने कहा, बेगम आज हमारी शादी हुई है, आज हमारा निकाह हुआ है, रात हम खुशियों में गुजारेंगे और जब सुबह होगी तो इस रोटी से आधी मैं खाऊंगा और आधी तुम खाओगी, इसलिए मैंने आज रोटी बचा करके रखी है। लड़की फौरन उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, इसी वक्त मुझे अपने बाप के घर पहुंचा दो, तुम्हारे साथ मेरा निबान नहीं हो सकता। उस जवान ने कहा, मैंने तो पहले ही सोचा था एक शाही खानदान की बेटी जो नाजो नम में पली है वो मेरे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? मैं तो दो रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, यकीनन मेरे साथ यही होना था, लेकिन तुमने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए क्यों निकाह किया? लड़की ने कहा, मैं जो अपने बाप के घर पहुंचाने की बात करती हूँ तुमने उससे मतलब क्या लिया? शौहर कहता है, मतलब ये लिया कि मेरे घर में एक ही रोटी देखकर बड़े बाप की बेटी वापस जाने के लिए तैयार है। उस लड़की ने कहा, नहीं तुमने मतलब गलत समझा है, मैं वो लड़कियों में से नहीं जो बाप के माल पे नाश करूं, मैं उन लड़कियों में से हूं जो सैयदा फातिमा के किरदार पे अमल करती हूं। याद रखे, या तो घर में ये रोटी रहेगी या तो घर में मैं रहूंगी। अरे उस शौहर के साथ मैं कैसे निभा कर लूं जिसको अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं कि जिस अल्लाह ने रात को खिलाया वो अल्लाह सुबह भी खिलाएगा। अरे जो खुदा समुंदर की तह में जानवरों को रिस्क देता है वो तुम्हें और मुझे भूल जाएगा? तुम्हारा तवक्कुल कामिल नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, या रोटी रहे या मैं रहूं। शौहर ने कहा, ठीक है, अगर मुझसे बड़ा तुम्हारा तवक्कुल है तो रोटी नहीं रहेगी। वो रोटी लेकर निकले और गरीब मिला तो उसको दे दिया और उसके बाद आए और फिर घर के अंदर आते हैं। अल्लाह हू अकबर। उन मियां बीवी से जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का वली कामिल पैदा होता है। आप गौर फरमाएं, अगर कौम की बेटियां इतना नहीं कर सकती, और हमें मालूम है दौर के हवाले से
इतना तकवा तो आप इख्तियार नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर गरीब शौहर मिल जाए तो गरीब शौहर के साथ निभा कर लो, उसे तंग मत करो। इसलिए कि अल्लाह हू अकबर, ये तकदीर की बात है। तकदीर के साथ समझौता करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तकदीर से लड़ करके न कोई कामयाब हुआ है, न तुम कामयाब हो सकती हो। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आकर कहता है कि ये तकदीर क्या है। उस वक्त मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले, उसने एक पैर फौरन उठा लिया। फरमाया दूसरा भी उठा ले, उसने कहा नहीं उठा सकता। फरमाया इसी का नाम तकदीर है, न तू मुकम्मल तौर पर मुख्तार है, न तू मुकम्मल तौर पर मजबूर है। तदबीर भी है, तकदीर भी है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, रिश्ते जो मियां बीवी के होते हैं वो आज जन्नत से आते हैं, आसमानों से आते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो शौहर लिख दिया, अब उसी के साथ निभा करो, इज्जत के साथ निभा करो। गरीब है तो निभा करो, अमीर है तो निभा करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो औरतें गरीब शौहर को तंग करती है और उनसे बेजा मुतालबात करती है, ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। और जो औरतें गरीब शौहर के साथ निभा करती है, ऐसी औरतों को अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अपनी सोच तब्दील करो। बाइक पे घूमना कोई हुनर नहीं, जेवर ज्यादा होना कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो ये है कि तुम्हारे पास तकवा मौजूद। तकवा नहीं है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं है, इसीलिए जहन भटकता रहता है। बच्चा बीमार हो गया तो चलो किसी पंडित के पास, चलो किसी साधु के पास, चलो किसी देवी के पास, और हालात अब यहां तक हो चले कि मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर कहीं बुतों की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पंडितों के पास नजर आ रही है। मुझे बताओ, जो बैतुल खला करके पानी नहीं लेते वो तुम्हारे बच्चों को क्या शिफा दे सकेंगे? शाफी तो मेरा अल्लाह है, और मेरे अल्लाह ने वलियों में वो ताकत अता की है कि वलियों को भी अल्लाह ने शिफा देने की कुव्वत अता की है। अरे नादान, बच्चा बीमार हो पंडित और देवी के पास ना जा, बच्चा बीमार हो मेरे गौस को पुकार। अरे जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, क्या उनकी दुआ से तेरे बच्चे को शिफा नहीं मिल सकती? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, गलत रसूमात से बचो। बच्चा बार बार बीमार है तो उसके कान में कभी बाली डाल दी जाती है, ये मजहब इस्लाम की तालीम नहीं। अरे बच्चा बीमार रहता है, माँ अगर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस बच्चे पे दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। मेरे गैब का नबी ने इरशाद फरमाया सूरह फातिहा में ला इलाज बीमारियों का इलाज मौजूद है। यानी जिस बीमारी के बारे में हकीमों ने कह दिया कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, ला इलाज का मतलब ये कि जहां हकीम और डॉक्टर हाथ टेक दें, उस बीमारी में भी सूरह फातिहा शिफा का जरिया बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, तोहमात परस्ती से बचो, लगवियात और खुराफात से बचो। मैं तुमसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं मिसाल के जरिए से। अगर तुम खूबसूरत हो, तुम्हें छोड़कर तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत की तरफ तवज्जो करता है तो तुम कितना वाहवेला करती है ना? कहीं पंचायत बैठती है, कहीं मोहल्ले में रुसवाई होती है, औरतें हंगामा करती, लड़ झगड़ कर मैके चली जाती है। यकीनन उसने गलती की, आपने इत्तेजाज किया। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह करे कभी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। लेकिन आप खूबसूरत हैं, नेक सीरत हैं, सारी खूबियां आप में हैं, आप जायज को छोड़कर शौहर नाजायज की तरफ मुतवज्जे हो तो आप हंगामे करती हो। अरे नादान, ये तो समझने समझाने के लिए है,
बिला तशबीह बिला तमसील, मेरा अल्लाह हर मिसाल से पाक है। अगर तू खूबसूरत हो और जायज को छोड़कर नाजायज की तरफ तेरा शौहर तवज्जो करे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, चांद और सूरज का पैदा करने वाला, नबियों को अता करने वाला, सहाबा की झोली भरने वाला, वलियों को खैरात देने वाला, अच्छे बुरों को पालने वाला, कायनात का पालन हारे हकीकी, मरीजों को शिफा देने वाला, सेहतमंदों को बीमारी देने वाला, अल्लाह हू अकबर, रात लाकर दिन को समेटने वाला, दिन लाकर रात को समेटने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, कलियों को मुस्कुराहट का शऊर देने वाला, भौरों को गुनगुनाहट का अंदाज देने वाला, आबशार को रवा करने वाला, बलखाती नदियों को पैदा करने वाला, समुंदर की तुगयानी को पैदा करने वाला, सीप में मोती पैदा करने वाला, मुर्ग को वक्त पर बांध का तसव्वुर देने वाला, अल्लाह हू अकबर, रात को सितारे जगमगाने वाला, दिन को सूरज निकालने वाला, चांद को पतला सा निकाल कर फिर बड़ा बड़ा करके बदरे कामिल करने वाला, फिर घटा घटा करके चांद को खत्म करने वाला कौन है? वो मेरा तुम्हारा ना है। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने जब उस अल्लाह से हमारा रिश्ता जोड़ दिया है तो फिर हमें साईं बाबा की तस्वीर की जरूरत क्या है? हमें किसी मूर्ति की तस्वीर की जरूरत क्या है? हम मूर्ति के पुजारी नहीं है, हम खुदाए वादहू ला शरीक की इबादत करने वाले हैं। हमारा ना वो अल्लाह है जो मुर्दों में जिंदगी पैदा करता है, जो जिंदों को मौत अता करता है, जो माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाता है। ऐ माँ, तुझे खुद को नहीं मालूम, क्या कभी तुझे एहसास हुआ कि किसी का हाथ तेरे पेट में शक्ल बना रहा है? पेट वाली को एहसास नहीं है कि कोई शक्ल बना रहा है, और मेरा अल्लाह शक्ल बनाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर कभी बच्चा दादा की शक्ल पे होता है, कभी दादी की शक्ल पे होता है, कभी भाई की शक्ल पे होता है, कभी माँ की शक्ल पे होता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी का हलाली बच्चा पड़ोसी की शक्ल पे चला गया? वो कौन है जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी खानदान की शक्ल अता करता है? वो मेरा अल्लाह वादहू ला शरीक। ऐसे खुदा को छोड़कर, ऐसे खुदा को छोड़कर हम सीरियलों के अंदर अगर किसी बुद्ध की फजीलत बयान कर दी जाए तो माज़ अल्लाह हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर सोचो, जब तुम जायज को छोड़कर तुम्हारा शोहर नाजायज की तरफ जाए तो तुम वाहवेला करती हो, खुदाए वादहू को छोड़कर तुम तस्वीरों की तरफ जाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कैसे गवारा फरमाएगा? उसने तो कानून बनाया है, मेरे अल्लाह का कानून है, वो हर गुना माफ करेगा लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। साईं बाबा का मजहब क्या, मसलक क्या, इससे सर्फ नजर करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम अपने नबी की पूजा नहीं करते, नबी तो नबी है, इमामुल अंबिया हैं, हम हुजूर से इश्क करते हैं, हुजूर की इबादत नहीं करते, हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, इबादत नहीं करते, और हम अल्लाह के रसूल की इबादत को भी शिर्क करार देते हैं। हमारे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह हू अकबर, जब अल्लाह के रसूल की इबादत जायज नहीं है, जब वलियों की गौसुल आजम की हम इबादत नहीं करते, तो फिर हम साईं बाबा की तस्वीर के आगे हाथ क्यों जोड़ करके खड़े रहे? सिर्फ इसलिए कि सीरियल में दिखाया जा रहा है, वो फलां जाकर के मन्नत मानी तो उसको फायदा हो गया। आपका मजहब सीरियल नहीं है, आपका मजहब कुरान में मौजूद है। वो अल्लाह जो बारिश बरसाए, वो अल्लाह जो बारान रहमत का नुजूल करे, उसे छोड़कर, और सुनो तुम अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर रही हो, एक दिन तुम्हें मौत आने वाली है। शिर्क कभी माफ नहीं होगा, इसलिए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। घरों में अगर मूर्तियों की तस्वीरें हैं, निकाल दो। अगर सीरियलों के अंदर भजन बजते हो, निकाल दो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मना फरमाया है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के अगर कोई भजन को खुश रह करके सुनेगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। ईमान की तरफ आओ। मुसीबतें तो आती जाती रहती है, और जब तुम शिर्क की तरफ जाओगी मेरी बहनों,
तो तुम्हारे बच्चे ईमान की तरफ कैसे आएंगे? कल की माएं कैसी थी? बच्चों को तौहीद पिलाती थी, बच्चों को रिसालत का अकीदा पिलाती थी, बच्चों को मोहब्बत रसूल पिलाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हत्ता की माँ की कोशिशों की बुनियाद पर और तरबियत की बुनियाद पर बच्चे विलायत की मंजिल हासिल करते थे। कैसी वो माएं थी, आओ जरा उनमें से एक माँ का जिक्र करें। एक बुजुर्ग है जिनका नाम तैफूर है, उन्हें दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। हजरत बायजीद बुस्तामी, सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं बायजीद का मकाम वलियों में ऐसा जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आप नन्ही सी उम्र है, बाप का इंतकाल हो गया। अब गौर फरमाएं, आज की माँ कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा टीचर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा फुला बने, फुला बने, फुला बने। ऐ माँ, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा कि तेरा बेटा डॉक्टर ना बने। यकीनन अल्लाह करे तेरा बेटा डॉक्टर बने, तेरा बेटा टीचर बने, तेरा बेटा इंजीनियर बने, तेरा बेटा सब बने। लेकिन ऐ माँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, वो डॉक्टर बनकर क्या करेगा? दुनिया में तेरे लिए इज्जत का जरिया तो होगा, लेकिन जब तू मरेगी तो तेरा नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल भी नहीं होगा। इसलिए माँ, तू डॉक्टर बनाने से पहले अपने बेटे को मुसलमान बना, अपने बेटे को मोमिन बना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बना। देख ऐ माँ, दुनिया तो चंद दिन की है, लेकिन आखिरत में वही कामयाब होगा जिसने दुनिया में अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की होगी। माए फिक्र करो कि बेटे के दिल पर नाम मुस्तफा लिख दो। ये दिल बच्चे के कोरे कागज की तरह होते हैं, कोरे कागज पे पहले जो लिख दिया जाता है वो लिख दिया जाता है, जब उसे भर दिया जाए तो फिर उस पर और कुछ लिखने की गुंजाइश नहीं होती। बर्तन जब खाली हो उसमें चाहे पानी डालो, चाहे शहद डालो, चाहे दूध डालो, चाहे मिट्टी डालो, जब बर्तन भर जाएगा फिर उसके ऊपर से आप कुछ नहीं डाल सकते। ये दिल बच्चों के खाली बर्तन की तरह है, अगर इसमें कुछ डालना है तो ईमान डाल दो, मोहब्बत रसूल डाल दो, अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, वलियों की मोहब्बत डाल दो। इस दिल को इतना पूर कर दो कि फिर किसी की मोहब्बत की गुंजाइश ना रहे। जब तुम आका के वफादार बना दोगी औलाद को, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी वफादार होगी।